गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक अंडर द बैंकिंग ऑपरेशन इज़ ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ATM इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम ए बैंक अकाउंट. दीज मशीन्स आर यूज टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट. इट इज़ अ सेल्फ सर्विस काउंटर ओपन 24 hours a day for 365 days of the year. A customer who wishes to avail of the ATM facility has to maintain certain minimum balance. There is maximum limit on the withdrawal also. So automated teller machine, it is an electronic mechanical machine जिसमें हम अपना cash withdrawal facility mainly use कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक bank account open कराना होता है bank में, और उसके लिए हमें उसमें अमाउंट सबमिट भी कराना होता है. और सेल्फ सर्विस काउंटर है, आप अपना जाइए 24 hours 365 days अपना वहाँ पे जाइए और अपनी कैश विड्रॉल करा सकते हैं. दिस मेक्स बैंकिंग प्रोसेस वेरी इजी बिकॉज दीज मशीन्स आर ऑटोमेटिक एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ ह्यूमन कैशियर फॉर ट्रांजेक्शन. द ATM मशीन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन विद बेसिक फंक्शंस वेयर यू कैन विड्रॉ कैश, जिसमें आप सिर्फ कैश विड्रॉल ही कर सकते हो, जबकि द अनदर वन विद मोर एडवांस्ड फंक्शंस यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश. यानी एक दो तरह की मशीन्स होती हैं, जिसमें एक तो बेसिक फंक्शन होता है सिर्फ आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, जबकि सेकंड तरह की मशीन्स में, एडवांस मशीन्स में, आप कैश डिपॉजिट भी करा सकते हो और जो है आप कैश विड्रॉल भी करा सकते हो. पिन जो है एक 4-digit सिक्योरिटी नंबर है प्रोवाइडेड बाय द बैंक विद द ATM कार्ड. पिन नंबर इज चेंजेबल एंड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तो आपको जब भी ATM आपको ऑपरेट करना होता है तो आपके पास 4-digit पिन नंबर होना जरूरी है. बेसिक ATM पार्ट्स. ATM इज़ अ यूज़र फ्रेंडली मशीन. इट फीचर्स वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिवाइसेस टू इनेबल पीपल इजीली विड्रॉ और डिपॉजिट मनी. तो इसके लिए जो बेसिक इनपुट्स, इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट डिवाइसेस में दो ही हैं मेनली, कार्ड रीडर एंड कीपैड. कार्ड रीडर, दिस इनपुट डिवाइस रीड द डाटा ऑफ द कार्ड विच इज़ स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑफ द बैक साइड ऑफ द ATM कार्ड. आप देखते हैं कि ATM कार्ड के बैक साइड में एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, वैन द, इसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं. When the card is swiped or inserted into the space of the card reader captures the account detail, उस strip में ही detailing होती है आपके account की, and it passes to the server. On the basis of account details and the command received from the user server, allow cash dispenser to dispense the cash या withdraw the cash. Keypad, it helps the user to provide the detail asking by the machine, like पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमाउंट ऑफ कैश, रिसिप्ट रिक्वायर्ड और नोट. द पिन नंबर इज सेंट इन द इंस्क्रिप्टेड फॉर्म ऑफ टू द सर्वर. आउटपुट डिवाइसेज में मेनली चार डिवाइसेज हैं. स्पीकर, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द ATM टू प्रोड्यूस द ऑडियो फीडबैक व्हेन ए की इज प्रेस्ड. यानी आप ऑडियो फीडबैक भी दे सकते हो. डिस्प्ले स्क्रीन, इट डिस्प्ले द ट्रांजेक्शन रिलेटेड information on the screen. It shows the steps of cash withdrawal one by one in sequence. It can be a CRT screen or LCD screen. CRT जो पुराने time की screen होती है, और LCD screen थोड़ा slim screen रहती है. Receipt printer, it provide you the receipt with detail of transaction printed on it. It tells you date, time of transaction, withdrawal amount, balance. और कैश डिस्पेंसर, कैश डिस्पेंसर जिससे आप कैश विड्रॉ कराते हो और आपको काउंट कर मिलता है. इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द ATM एज इट डिस्पेंस द कैश. यानी ये कैश को छांटता है आपके लिए. द हाई प्रिसीजन सेंसर प्रोवाइडेड इन द ATM अलाउ कैश डिस्पेंसर टू डिस्पेंस द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र. सो आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर, डिस्प्ले स्क्रीन, रिसिप्ट प्रिंटर और कैश डिस्पेंसर, ये चार चीज़ें रहती हैं. व्हाट ATM डज, अब करता क्या है ATM? ATM हैज अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज अलॉन्ग विद इट्स बेसिक यूज ऑफ डिस्पेंसिंग कैश. डिस्पेंसिंग के अलावा कैश एंड चेक डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र कर सकता है. फंड ट्रांसफ़र मतलब पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना.
कैश विड्रॉल एंड बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉ कराना और बैलेंस इंक्वायरी की बैलेंस कितना बचा हुआ है। पिन चेंज एंड मिनी स्टेटमेंट, आप मिनी स्टेटमेंट इज के आपके पिछली 8 या 10 स्टेटमेंट्स आपको निकाल के देता है कि आपने कहाँ कहाँ कैश विड्रॉ किया या कैश जमा कराया। बिल पेमेंट एंड मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन भी रहता है स्क्रीन पर। द फर्स्ट एटीएम वाज यूज्ड टू डिस्पेंस कैश फॉर कस्टमर बाय केमिकल बैंक एट न्यूयॉर्क इन 1969। यानी एक तरह से देखें 1969 यूएसए में ये एटीएम शुरू हो गए थे और इंडिया में ये 1990s में आ गए थे, जबकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया में फर्स्ट एचएसबीसी से शुरू हुआ था। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ एटीएम, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी, यानी अगर एटीएम की सर्विस खुली है, एटीएम खुला है तो ये आप कभी भी आप विड्रॉ करा सकते हो। कन्वीनियंट प्लेस पे होता है ये, लाइक शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। प्राइवेसी ऑफ ऑपरेशन, इट इंश्योर प्राइवेसी ऑफ ऑपरेशन थ्रू सेल्फ सर्विस। नो नीड ऑफ आरबीआई परमिशन, बैंक नीड नॉट ऑब्टेन आरबीआई परमिशन फॉर इंस्टॉलिंग एटीएम। अब ये फ्रीडम दे दी आरबीआई ने कि बैंक अपने हिसाब से कहीं भी अपने जो है एटीएम लगा सकता है। नो टाइम लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन, वन कैन डू द ट्रांजेक्शन विद गोइंग टू ऑफिस और वाइल रिटर्निंग होम और वाइल गोइंग टू शॉपिंग और ऑन हॉलीडेज, द चॉइस ऑफ टाइम इज अनलिमिटेड। यानी अब आपको टाइम लिमिट नहीं है कि आप 9 to 5 ही कैश विड्रॉ करा सकते हो, कोई जरूरत नहीं, कोई प्लेस की भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप कभी भी सुबह, शाम, दोपहर, जब आपको समय लगे कहीं भी हो, आप अपना जो है विड्रॉ करा सकते हो। क्विक एंड एफिशिएंट सर्विस, इट मींस एटीएम पर क्विक और एफिशिएंट सर्विस मिलती है। इट इज़ प्रोफेशनल सर्विस सिंस द मशीन इज़ प्रोग्राम्ड एंड मैनी ड्रिवन द कस्टमर नो हाउ टू ऑपरेट। यानी अगर कस्टमर को पता है कैसे ऑपरेट करना है तो इट इज़ सिंपल स्पेसिफाइड स्टेप्स, नो टाइम इज़ वेस्टेड। इसमें है कि सिंपली वो आपको कमांड देता जाएगा, आप वो फिल करते जाइए और आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा। और काफ़ी एटीएम्स पर तो गेट कीपर या वॉचमैन होते हैं या हेल्पर होते हैं या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप एटीएम से कैश विड्रॉ करा पाएँ। फिक्स्ड रिस्पॉन्स टू कस्टमर, रिस्पॉन्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन टू कस्टमर इज़ फिक्स्ड। यानी द वेज द ट्रांजेक्शन आर टू बी कैरिड आउट इन लॉजिकल स्टेप्स आर प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्रामिंग की होती है, वो वन बाई वन आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता रहता है सो दैट कि जेन्युइन कैश विड्रॉ हो पाए। द ऑपरेशन इज़ टू बी कैरिड आउट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, इसकी भी टाइम लिमिट होती है। इफ़ द कस्टमर डज नॉट रिस्पॉन्ड दैट टाइम द ट्रांजेक्शन इज अबोर्टेड, और ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाती है। यानी उसके फ्यू सेकेंड्स ही होते हैं ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए। अगर आप पिन भूल गए हो या कोई ट्रांजेक्शन का स्टेप आप मिस कर देते हो तो वो टाइम अबोर्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। दिस टाइम लिमिट इज़ प्री सेट बाय द बैंक, ये टाइम लिमिट जो है बैंक द्वारा प्री सेट होती है। नाउ द लिमिटेशंस, इसके कुछ कमियाँ भी हैं। लिमिटेशंस ऑन विड्रॉल, कैश विड्रॉल फॉर लार्ज अमाउंट आर नॉट परमिटेड। यूँ नहीं है कि आप लाखों में पैसा निकाल सकते हो। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द अमाउंट फिक्स्ड फॉर द कार्ड, अब ये अमाउंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया है। पहले ये ऐसी कोई नहीं थी अमाउंट कि आप दिन में कितना भी निकलवा सकते हो, फिर ये अमाउंट आप 40,000 ही, आप डिमोनेटाइजेशन में है कि 40,000 ही निकलवा सकते हो। और अब और सिक्योर करने के लिए ये अमाउंट फिक्स कर दिए गए कि आप 10,000 से ऊपर हो, 10,000 या उससे ऊपर होता है तो आपको उसके लिए आपके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक पासवर्ड आता है, उसी के बाद ही आप इसको विड्रॉ करा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश डिस्पेंसेशन, कैश डिस्पेंसेशंस आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी, एज सच विड्रॉल आर टू बी मेड ओनली इन सर्टेन मल्टीपल्स। यानी कि आपको जो है कैश की डिस्पेंसेशन, इट मीन्स उसकी करेंसी की कुछ अमाउंट ही फिक्स्ड है कि वो जो है आपको विड्रॉल होगा वो आपको फुलफिल अमाउंट का होना चाहिए, 500, 1,000, यानी जो नोट अवेलेबल हैं। आप सोचो मैंने 838 रुपये निकालने हैं तो आप नहीं निकाल पाओगे, आपको फुल डिनोमिनेशन में ही निकालना पड़ेगा। लिमिटेड फंक्शनिंग, द एटीएम परफॉर्म्स ओनली लिमिटेड फंक्शंस, और जैसे और भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट लिमिट है, लोकर फैसिलिटी है, उसके लिए कस्टमर्स को बैंक में अप्रोच करना पड़ता है। सो ये सिर्फ शॉपिंग के लिए और कैश विड्रॉल के लिए अच्छा माध्यम है, और बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ इस पर नहीं मिलती हैं।
ये कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एटीएम को इन्वेंशन किसने किया था, जॉन शेफर्ड बैरन ने, और एटीएम पिन नंबर इसने जॉन शेफर्ड बैरन ने इसके लिए 6 डिजिट पिन नंबर सोचा था, बट उसकी वाइफ को यही हद नहीं हो रहा था 6 डिजिट, तो उसने 4 डिजिट एटीपी पिन नंबर जो है फाइनल किया। और वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केरला में इस्टेब्लिश हुआ था, फर्स्ट एटीएम इन इंडिया इंस्टॉल बाय एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इन 1987। फर्स्ट एटीएम इन द वर्ल्ड वाज इंस्टॉल्ड ऑन 27 जून 1967 एट द बार्कले बैंक ऑफ लंदन। ये कुछ फैक्ट्स थे जो एटीएम से रिलेटेड थे और जो मुझे मिले थे और मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक टॉपिक है एटीएम, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो है इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। थैंक यू।